इंग्लिश वोकैबुलरी के सभी अक्षरों का अपना अपना मतलब होता है, फिर हर कोई इन शब्दों को अपनी समझ के अनुसार समझता है और पढ़ता है। अब जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री की रेटिंग्स पूरी दुनिया में लगभग एक जैसी ही होती है, उदाहरण के तौर पर ए को अडल्ट माना जाता है और यूवी को यूनिवर्सल व्यूअर रेटिंग माना जाता है, पर कुछ इंग्लिश वोकैबुलरी के शब्द कुछ उल्टे समझे जाते हैं और कुछ गलत, जो कभी कभी गलत मतलब की तरफ भी इशारा करते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि उनका मतलब गलत ही हो, लेकिन शायद टेक्नोलॉजी और सोसाइटी ने मिलकर इन शब्दों का मतलब दुनियावी ढंग से अजीब और गलत बना दिया है। हालांकि उन्हीं शब्दों के और भी मतलब और फुल फॉर्म्स हैं। अब जैसे कि इंग्लिश के शब्द एक्स को हमेशा ही गलत तरीके से देखा जाता है। आप ये सुनकर अब कहेंगे कि कुछ गलत तो नहीं दिखने वाला है इस वीडियो में। जी नहीं, क्योंकि आपने भी शायद एक्स अक्षर को सुनकर गलत ही समझ लिया है। इस सच को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ज्यादातर लोग किसी फिल्म, वेबसाइट, सीरीज, मैगजीन आदि को एक्स रेटिंग में देखते हैं या पढ़ते हैं, तो उसे एडल्ट मूवी या फिर कहे पॉर्न से जुड़ा समझ लेते हैं। लोग अधिकतर इसे न्यूडिटी से जुड़ा समझते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वाकई ही न्यूडिटी से ही ये शब्द जुड़ा हुआ है। यह एक एक्सप्लिसिट कंटेंट के लिए होता है और ज़रूरी नहीं है कि ये अडल्ट कंटेंट ही हो। इसे एक्सट्रीम वायलेंस से जोड़कर भी देखा जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे इसकी परिभाषा सिर्फ एक्स रेटिंग से जुड़ गई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इससे जुड़ी डिटेल दी गई है। उसमें लिखा गया है कि ट्रिपल एक्स अत्यंत स्पष्ट यौन प्रकृति की एक फिल्म के डिज़ाइन को ट्रिपल एक्स श्रेणी में रखा जाता है। इसे एक्स रेटेड भी कहा जाता है। दरअसल इसकी शुरुआत 1968 में हुई थी, जहां मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका MPAA ने एक्स रेटिंग को पहली बार इस्तेमाल किया था। उस वक्त एक्स रेटिंग उस तरह के कंटेंट के लिए थी जिसे सिर्फ एडल्ट्स देख सकते हैं। इसमें हिंसा, हिंसक और अभद्र भाषा और कुछ हद तक एडल्ट सीन शामिल थे। इस काम के लिए एक्स शब्द को चुना गया था क्योंकि इस अक्षर को हमेशा से ही क्रॉस, डेंजर या किसी चीज की मनाही के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद 1970 में एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री ने एक्स रेटिंग को अपना लिया और पोर्नोग्राफी कंटेंट के लिए ट्रिपल एक्स शब्द यूज किया जाने लगा। 3X लगते ही इसका स्वरूप न्यूडिटी से जुड़ने लगा। ऐसे में 3X के साथ लोगों ने विज्ञापन देना भी बंद कर दिया था और धीरे धीरे ट्रिपल एक्स सिर्फ इसी काम के लिए सेट हो गया। 1970 से लेकर 1980 के आते आते स्ट्रिप्स, क्लब्स, मैगजीन्स और वीडियो टेप्स में भी पोर्नोग्राफी कंटेंट के लिए ट्रिपल एक्स का इस्तेमाल होने लगा। इसके बाद 1990 का दशक आया और इंटरनेट ने जन्म लिया। अब तक जो चीज़ ऑफलाइन थी वह ऑनलाइन आने लगी। 2010 में इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स ICANN ने भी ये फैसला लिया। इंटरनेट की इस आधिकारिक संस्था ने ट्रिपल एक्स नाम से डोमेन असाइन करना शुरू कर दिया। यह डोमेन नेम सिर्फ अडल्ट वेबसाइट्स के लिए ही इस्तेमाल होना था। इस डोमेन में फ़ायदा यह होता था कि इस तरह के कंटेंट फिल्टर या अनफिल्टर करने में आसानी होती थी। साल 2000 में विन डीजल की एक स्पेशल मूवी सीरीज आई जिसे जेंडर केज कहा गया। यहाँ एक्स का मतलब एक्सट्रीम से था। ट्रिपल एक्स के इन सभी इस्तेमालों के साथ साथ एक और यूज भी है, साइज। जी हाँ, साइज के तौर पर ट्रिपल एक्स को ट्रिपल एक्स यानी कि एक्स्ट्रा लार्ज साइज भी कहा जाता है। इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहें अर्थ प्रकाश के साथ। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।